आदमी होना चाहिए जिसको विजिटिंग कार्ड बांटा जा सके। कोई आदमी आपकी नजर के सामने होगा विजिटिंग कार्ड बांटने के लिए, तो वहां से आप उसको पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं? जी दिखेगा तभी तो बेचेंगे, जब कोई नजर ही नहीं आएगा तो बेचोगे किसको? क्या ख्याल है आपका? सही बोल रहे, ये आइडिया चल सकता है कि नहीं आपका पॉलिसी लिखने के अंदर? ये आइडिया काम आ सकता है कि नहीं? हाँ आइडिया ठीक है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एक तो साइकिल को बंद करना पड़ेगा। कब तक के लिए बंद करना पड़ेगा? तब तक के लिए बंद करना पड़ेगा जब तक आपका जो कमीशन का इनकम है एलआईसी एजेंसी से, जो आपका इनकम है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो कम से कम इतना बढ़ जाए कि भाई आपकी जो सैलरी लेवल है उससे ऊपर आना शुरू हो जाए। यदि हम थोड़ा सा ये काम यदि कर लेंगे तो हमारा आपको अच्छा लगेगा। नौकरी में क्या होता है, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं तब तक आपको तनख्वाह आता है। जिस दिन नौकरी बंद किया, चाहे रिटायरमेंट पे बंद किया, चाहे रेजिग्नेशन पे बंद किया, इस्तीफा दिया, चाहे तो डेथ हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, नौकरी बंद होने के ढेर सारे रीजन होते हैं, या तो टर्मिनेशन हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बहुत सारे रीजन होते हैं, नौकरी छोड़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। इनमें से कोई भी रीजन से जब नौकरी छोड़ा जाता है तो उसके बाद एक भी रुपया नहीं आता है, ऐसा हर एक नौकरी की सच्चाई है। इक्का दुक्का नौकरियां दुनिया के अंदर मुश्किल से 2-4-5% नौकरियां ऐसी होती हैं, आपने नौकरी छोड़ा उसके बाद भी पैसा आ रहा है, पेंशन, सरकारी नौकरी, कुछ एक सरकारी नौकरियों में पेंशन अभी भी मौजूद है, लेकिन कितनी होती हैं? 100 में से 2 नौकरियां, 100 में से 3 नौकरियां, बाकी के 97 लोगों का क्या? हमें उन 97 लोगों को जो तकलीफ है वो वाली तकलीफ हमको नहीं लेना है। सैलरी आप बढ़ाइए, अपनी जितनी सैलरी बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, आपकी इनकम लगातार बढ़नी चाहिए, आपकी ग्रोथ लगातार होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ आपकी सचमुच जीवन के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक्टिविटी के बारे में बताना चाहेंगे अशोक जी? नहीं सर। अशोक जी आप अपनी कोई और एक्टिविटी के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं अभी तो कुछ। बढ़िया, क्लोजिंग चल रहा है, साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, ऑलरेडी आज 20 तारीख हो गया है, ब्रांच का जो टारगेट है आज का पूरा करने का दिन था, और कल मनीष जी ने रखा था कि हमने 30 पॉलिसी जमा करके और अपना सेंचुरी पूरी करने वाला हूं, तो मनीष जी को यहां पर हम वेलकम करेंगे, जो तालियों के साथ पूरी कर चुके होंगे ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो मनीष जी आपका स्वागत है, सेंचुरी अपना पूरा कर लिया है तो आप उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मनीष जी क्या हुआ, फोन रख के चले गए क्या? ज्वाइनिंग मीटिंग ज्वाइन करके चले गए, ऐसा लगता है मनीष जी मीटिंग ज्वाइन करके कहीं और चले गए हैं, शायद हमारी बात, हमारी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, जब मनीष जी आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। रवेश किशोर जी गुड मॉर्निंग, अजय जी गुड मॉर्निंग, नहीं बात करना आप पसंद नहीं है, क्या बात है? सिर्फ सुनना चाहते हैं, बोलना का इच्छा नहीं है, कैसे चलेगा गुजारा ऐसे? यदि हम वन साइडेड चलाएंगे तो कैसे गुजारा चलेगा? कुछ मतलब गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग रविराज जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर। रविराज जी कैसा चल रहा है? बस ठीक है सर। ठीक है, परिवार में सब लोग कैसे हैं? सब कुशल मंगल। पड़ोस पड़ोस में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक सर। ठीक है, अच्छी बात है। आप कुछ बताना चाहेंगे अपना किसी एक्टिविटी के बारे में, आपका क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या बातचीत हो रहा है, आप किसी भी एक्टिविटी के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे? ना सर। ठीक है, बढ़िया। क्लोजिंग के दिन आखिरी बचे हैं 11, साल खत्म होने वाला है, क्लोजिंग होने वाला है, आखिरी के 11 दिन लंबा मोर्चे के आखिरी के 11 दिन बचे हैं, क्लोजिंग के आखिरी के 11 दिन बचे हैं, फाइनेंशियल खत्म होने के आखिरी के 11 दिन बचे हैं। सो थोड़ा सा उसका तैयारी कर लीजिए, ब्रांच का टारगेट भी जो है पूरा होने वाला है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आखिरी के 11 दिन बचे हैं, थोड़ा सा उसका तैयारी कर। कल हमने 2 पॉलिसी नंबर लगाए थे, दीपक शर्मा जी ने क्या किया परसों मथुरा जी से, आप में से दीपक शर्मा जी को कितने साथी जानते हैं? नहीं जानते, कोई नहीं जानते, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जानते तो ठीक है।
तो फिर मैं फिर अंजान के तौर पे बता देता हूँ, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। प्रोफेसर दीपक शर्मा नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, गणित के प्रोफेसर, बहुत ही शानदार बढ़िया आदमी है। आप उनको शक्ल सूरत से बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये प्रोफेसर है, क्योंकि वो शक्ल सूरत से प्रोफेसर कम और स्टूडेंट ज्यादा लगते हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने दीपक शर्मा जी ने बढ़िया काम क्या किया, मथुरा में बैठे थे, मथुरा में बैठे बैठे उन्होंने दिल्ली के अपने किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बात की और बात करके उसको पॉलिसी भेज डाला। और आनंदा के अंदर मुझे बिना बताए, मैंने तो वो आनंदा के ऊपर जो घर बैठ के पॉलिसी नंबर लगाते हैं उसके ऊपर ढेर सारे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए हैं, सभी साथियों को बार बार सिखाया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा, इमेजेस भेजी, लीफलेट भेजे, सब कुछ भेजा। तो मेरे को विनीता ने फोन पे बात कराया, सर ये दीपक जी बात करेंगे, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ बताइए दीपक जी। कहते सर वो मैंने ना प्रपोजल पूरा टाइप कर लिया कंप्यूटर में, पूरा उसका OTP वगैरह जो कुछ आना था सब कुछ कर लिया, एजेंट रिपोर्ट भर लिया, बेनिफिट रजिस्ट्रेशन भर लिया, सुटेबिलिटी एनालिसिस फॉर्म भर लिया, सब भर लिया, अब ये बता दो कि BOC का पैसा भरवा दूं या नहीं भरवाऊं। मैंने कहा यार कमाल कर, सब कुछ करने के बाद BOC का पैसा पूछ रहे भरे कि नहीं भरे, कैसे कैसे चलेगा। मैं कहा भरो ना फिर दिक्कत क्या है। कहता नहीं मैं भरने के पहले पूछ रहा हूँ, 12,000 रुपये ईयरली प्रीमियम है तो पहले आप हाँ बोलो तो मैं प्रीमियम भरूँ। मैंने कहा भरने में प्रॉब्लम क्या है। कहता प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कस्टमर का लिंक मेरे पास रेडी है, आप बोलो तो मैं कस्टमर को लिंक भेजूं वरना ना भेजूं। मैंने तो ट्रायल के लिए एक प्रपोजल इधर, ये कोई हमारे कस्टमर है राशिद, तो उनका मैंने टाइप कर लिया। मैंने अच्छा किया तो भेज दो कस्टमर को, कस्टमर को लिंक भेजा, कस्टमर ने 12,000 भर दिया ईयरली, 945 जीवन उमंग 20 साल का, 2 लाख का, तो पैसा भर गया। पैसा भर के BOC कट गया ऑटोमेटिकली ऑनलाइन, उसने जैसे भी भरा, क्रेडिट कार्ड से भरा, डेबिट कार्ड से भरा, UPI से, वॉलेट से भरा, उसने नेट बैंकिंग से, जैसे भी उसने भरा वो उसकी मर्जी, पैसा भर के ऑटोमेटिकली BOC कट गया। BOC कटने के बाद वो कहते हैं जी मेरा काम हो गया, दीपक जी ने बताया, कहते जी मैंने कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने भी पहली पहली बार आनंदा किया था, मुझे भी नहीं पता था इसमें क्या करना है, तो मैंने कहा ठीक है पॉलिसी नंबर लग गया होगा, पॉलिसी नंबर बताओ। कहते पॉलिसी नंबर नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ATM को जाके विनीता को बोला, मैंने कहा विनीता इसका पॉलिसी नंबर क्या है, मैंने देखा कंप्यूटर में EFIC में देखा पॉलिसी नंबर तो है ही नहीं। अब उसके बाद मैंने ATM को बोला, मैंने कहा जी वो पॉलिसी नंबर ये इसका, कहते हैं वो ना अभी आज हम स्ट्राइक कर देना ना तो NG मॉड्यूल लॉगिन करेंगे तो पॉलिसी नंबर लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है पॉपअप आएगा ठीक है। अगले दिन हमने दफ्तर कल खुला था तो हमने पॉलिसी नंबर उनको बोला, वो प्रमोद जी हैं NB डिपार्टमेंट में इंचार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO प्रमोद जी, वो आनंदा का पॉलिसी नंबर लगा, उन्होंने लगा दिया। तो अब दीपक जी ने कहा एक और कर दूं, मैंने कहा कर दो, कर दिया उन्होंने, दूसरा भी लग गया। मथुरा बैठे बैठे कस्टमर के पास दिल्ली में ना तो गए, कस्टमर ने अपने आप ऑनलाइन प्रीमियम भर दिया, प्रपोजल फॉर्म दीपक शर्मा जी ने, एजेंट रिपोर्ट प्रपोजल फॉर्म उन्होंने कंप्यूटर में टाइप कर दिया। क्या ये नया तरीका सुटेबल है या जिन पुराने तरीकों से हम अपनी पॉलिसियां कंप्लीट कराते हैं वो सुटेबल है? रवि आपको जो ऑन करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आपको ऑन करना पड़ेगा अपना माइक, या तो आप में से कोई भी साथी यदि बोलना चाहते हैं। पुराने तरीकों से तो आप काम कर ही रहे हैं, पुराने तरीके क्या हैं? आप नॉर्मल चैनल करिए, ग्रीन चैनल करिए, फॉर्म भरिए, 300 नंबर, 340, 360, आप प्रिंट आउट लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, आधार लीजिए, पैन लीजिए, आप IPR लीजिए, फोटो लीजिए, जो भी लेना है वो सब ले लीजिए, इनकम प्रूफ वगैरह जो लेना है वो सब ले लीजिए। ये तो पुराना तरीका है। नया तरीका ये है कि आप चाहे मथुरा बैठे हैं, चाहे आप बॉम्बे बैठे हैं, चाहे आप अंडमान निकोबार बैठे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर बैठे हैं, जहां मर्जी बैठे हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड फिलहाल इंडिया में, वर्ल्ड वाला भी अभी लॉन्चिंग कर देंगे, ऑल ओवर इंडिया 135 करोड़ लोगों को पॉलिसी बेच सकते हैं। आप जहां पर भी बैठे हैं आपका पॉलिसी आसानी से दिख सकता है। आपको क्या लगता है ये वाला नया तरीके से अपन को काम करना चाहिए या तो पुराना नॉर्मल चैनल ग्रीन चैनल के चक्कर में पड़े रहना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं है, क्या बात है भाई। क्या यार मेरे को लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ क्या? रविराज किशोर जी, अशोक जी, मनीष जी, अजय जी, या तो मैंने आज बहुत जल्दी मीटिंग रख लिया, मतलब अचानक टाइम चेंज किया, कल टाइम था 8:50 का, आज अचानक 8:25 का टाइम चेंज कर लिया, तो या तो ये बात है या तो बहुत जल्दी मैंने मीटिंग रख लिया, या तो मैं टॉपिक ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि या तो सुबह सुबह आप तैयार हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, आपको लगता है यार अब जवाब देना तो भारी काम है, यही इन्होंने काम फंसा डाला, हमने तो सिर्फ सुनने के लिए चालू किया था, इन्होंने तो पूछना भी शुरू कर दिया, ऐसा हो क्या? या तो नाश्ता कर रहे हैं, आप नाश्ता करते करते बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सर ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है सर, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नहीं ठीक तो है लेकिन क्या ठीक है? मैंने आपको नया तरीका बताया, नया तरीका तो इजी है, सिस्टम से चलने से और फायदा है। ये सब तरीका अपना घर बैठे आराम से जो है किया जा सकता है, जिसके पास जितना नॉलेज है तो उतना तो नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, वही तो बता रहा हूँ, नॉलेज नहीं चाहिए। दीपक शर्मा जी को नॉलेज नहीं था, वो उनको भी इतना ही नॉलेज था व्हाट्सएप के द्वारा जितनी आपको है। व्हाट्सएप के अंदर मैंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना के भेजा था, उन्होंने उसको पढ़ा, पढ़ते कर दिया, उन्होंने कोई उसके लिए नया काम नहीं किया, वही जो पुरानी नॉलेज थी उसी के बेसिस पर उन्होंने किया है, कोई नया उन्होंने इसके लिए कुछ कमाल नहीं किया, नॉलेज नहीं लिया उन्होंने कुछ भी। आनंदा में कुछ नहीं करना होता है, आनंदा के अंदर सिर्फ आपका एजेंट पोर्टल एक्टिवेट होना चाहिए, और एजेंट पोर्टल ऑलरेडी ब्रांच मैनेजर जो है बार बार सभी को जिन जिन का एक्टिवेट नहीं है सबको ईमेल भेजते रहते हैं, अपना एक्टिवेट करो एक्टिवेट करो एक्टिवेट करो। ऑफिस की तरफ से आपको LHIndia.in की तरफ से ब्रांच मैनेजर की तरफ से ईमेल लगातार आता रहता है जिनका एक्टिवेट नहीं है, उसके बाद आपको LHIndia.in वेबसाइट खोलना है, वहां पे लिखा है आनंदा, जैसे वहां पे खोलेंगे LHIndia.in आनंदा खोलेंगे, वहां से बोल दो आपका चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई सीखना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं सीखना है। और दीपक शर्मा जी ने टाइपिंग शुरू किया, खटखट खटखट अपने आप ही कर लिया, मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि पुराने तरीकों से करना ठीक है या तो नए तरीके का कुछ फायदा लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं दोनों में से क्या अच्छा लगता है। पुराने तरीके हैं हमारे पास, पुराने तरीके बंद, नॉर्मल चैनल भी चल रहा है, ग्रीन चैनल भी चल रहा है, दोनों तरीके चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये वाला तरीका कुछ सूट करता है या नहीं करता है? सूटेबिलिटी है तो हम इसके ऊपर बात करें, सूटेबिलिटी नहीं है आपको लगता है नहीं दीपक शर्मा के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है, जब तक आप ये मानते रहेंगे हमारे बस की बात नहीं है आपके बस की बात हो ही नहीं सकती। क्या रहने हुए, यदि आपको ऐसा विश्वास है कि मैं नहीं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जीवन के अंदर जिन्होंने भी कोई भी कार्य किया है, कुछ भी जिंदगी के अंदर जिन लोगों ने कोई भी नया काम डिफरेंट काम बढ़िया काम किया है, सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया मैं कर सकता हूँ, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि मैं कर, उन्होंने अपने आप को बोल दिया, सारी दुनिया बोलने लग गई हाँ आप कर सकते हैं। हम अपने आप को ही यदि काटते रहेंगे, हम अपने आप के ऊपर यदि शक करते रहेंगे तो हम तो फिर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम अपने आप को काबिल समझने लगते हैं कि हाँ हम कर पाते हैं, इसके लिए अंदर कोई हैरानी की बात नहीं है, चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होती, मुश्किल सिर्फ हमारा दिमाग होता है, हम अपने दिमाग के अंदर समझते हैं हम बहुत मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल हो जाता है, हम अपने दिमाग के अंदर समझते हैं अपने आप को बोलते हैं सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी के अंदर सब कुछ आसान ही है, सिर्फ हमारे अपने आप को हमने क्या बात किया। दुनिया के अंदर हम अपने आप से जितनी बात करते हैं किसी और से नहीं करते हैं, रोजाना हमारे दिमाग के अंदर तकरीबन 60,000 से लेकर 70,000 तक ख्याल आते हैं, इसमें से बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, दो चार पॉजिटिव भी होते हैं, कई सारे ऐसे भी होते हैं ना तो पॉजिटिव होते हैं ना तो नेगेटिव होते हैं, वो ख्याल आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि उनके आने से बहुत सारी खुशी होती है हमको, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें आके बड़ी तकलीफ होती है यार ये क्यों आया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो आ गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अपने दिमाग के अंदर आने वाले ख्यालों को यदि रेगुलेट कर लिया, यदि हमने उनको नियंत्रण कर लिया, यदि हमने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो हमारा लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से ढेर सारा प्रोग्रेस हम अपनी जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, आप अभी अभी आए हैं, आपका स्वागत है। देखो समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके काम का है या नहीं है, क्योंकि जब तक आप बंदे में जवाब नहीं देंगे मुझे पता ही नहीं लगेगा। मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाने आया हूँ और फॉर्मेलिटी निभा के जाना मेरे को है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि आपके काम की चीज मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, या तो मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे लॉग इन करने के बाद उसके बाद कहीं घूमने चले गए हैं, ऐसा भी नहीं पता लग रहा है। तो नए प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी बेचने के लिए आसान तरीका
ये है कि हम लोग लीफलेट के द्वारा बेचें, हम लोग कार्ड्स के द्वारा बेचें, विजिटिंग कार्ड्स, हम लोगों को विजिटिंग कार्ड बांटने का डेली का टारगेट रखना पड़ेगा। मेरे को रोजाना मैंने कितने कार्ड बांटे, हमें डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली, ये सब टारगेट रखने पड़ेंगे। हमें टारगेट बनाना पड़ेगा हमने विजिटिंग कार्ड कितने बांटे, क्योंकि विजिटिंग कार्ड बांटेंगे आप ये मत उम्मीद करिए कि विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं 100% सभी का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कौन से वाले का रिजल्ट आएगा ये नहीं पता। आप 1000 कार्ड बांटने का टारगेट रखिए, मेरे को 1000 कार्ड बांटने हैं। कार्ड का मतलब ये नहीं है कि हर एक के हाथ में थमा दिया बस खत्म, नहीं, थोड़ा सा एक या दो सेंटेंस उस कार्ड के बारे में बात भी करिए। सर नमस्कार, ये वाला स्कीम आया, ये सर ये 100 रुपये पर डे के अंदर 20 लाख रुपये मिलता है, या तो आप जीवन उमंग की यदि बात करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर डे में 1 करोड़ भी मिल जाता है। आप जीवन उमंग का यदि चेक करेंगे 1 करोड़ भी मिल जाता है। आप एक या दो सेंटेंस अपने विजिटिंग कार्ड के बारे में लोगों को बोलेंगे, 1000 कार्ड बांटने पर एक पॉलिसी पक्का है। लेकिन हाँ, सबसे पहले वाला कराएगा या 1000वां कराएगा या 100वां, 200वां, 300वां, 500वां, 800वां, 900वां कराएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो क्या ये आइडिया आपको चल सकता है या नहीं चल सकता? सर, हाँ पॉसिबल है इस आइडिया को चलाना या तो नहीं है। क्या बात हो गया, मैंने कुछ खतरनाक सवाल पूछ लिया क्या, या तो मैंने कोई फालतू आइडिया बोल दिया? आपको आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशोक जी, रविराज किशोर जी, मनीष जी, अजय जी, नरेंद्र जी, आवाज आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? या तो मैं अकेले अपने आप से ही बात कर रहा हूँ? तो अजय जी, आप किसी और एक्टिविटी में बिजी हैं? क्या आप किसी और एक्टिविटी में बिजी हैं क्या? नहीं सर। नहीं है तो जवाब नहीं दे रहे। नहीं है तो जवाब देने में प्रॉब्लम क्या है? आवाज आ रहा है सर। मैंने समझ लिया रविराज जी, आपकी थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब दिया बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने बीच बीच में आपसे अलग अलग बातें पूछी, आप यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए आए हैं या तो आप चाहते हैं कि हाँ जो कुछ सुना जाए उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके वहां से रिजल्ट भी आना चाहिए, या तो आप किसी और काम में बिजी हैं? आप किसी और काम में बिजी हैं? यदि आप कुछ और करने में बिजी हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यदि आप पार्टिसिपेशन करेंगे, क्या यदि आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप यदि इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको लगता है कि हाँ इधर मीटिंग था, बुलाया था तो इधर मैं जाऊं, चलो थोड़ी देर के लिए अपन देख के आते हैं, यदि फॉर्मेलिटी के लिए आप आए हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए थ्रू क्या होता है ना कि ज्यादा भला होता नहीं है कभी भी, है ना। अब जैसे हम किसी के डेथ हुआ, अभी हमको लगता है फॉर्मेलिटी के लिए जाना है तो हम फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए थ्रू जाके वहां पे करते क्या है, वो पता लगा वो 3 से 4 उठाने का टाइम है, वो 4:45 पहुंचे या तो 4:05 पहले पहुंचे, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, ये झूठ मूठ में हम बोलकर आते, दुख वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ये झूठ मूठ में हम बोलकर आते हैं। तो जिसके यहाँ गए उसको भी लगता है चलो यार भीड़ भड़ गई, इतने आदमी आ गए, और हम गए हैं हमें लगता है चलो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तो फॉर्मेलिटी के थ्रू यदि हम करेंगे किसी काम को, वो काम ना कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है। जिंदगी के अंदर मैंने देखा है जिस काम में हम दिल लगा के करते हैं वही काम अच्छे तरीके से हो पाता है। सो यदि आप पार्टिसिपेशन करेंगे, एक्चुअली पार्टिसिपेशन करना या नहीं करना जीवन में एक आदत हो जाती है। हम लोग यदि बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बस के अंदर भी पार्टिसिपेशन मैंने देखा है, कुछ लोग बस में ट्रेवल करते हैं आजू बाजू के सारे जितने भी पैसेंजर हैं उनसे बात करते हुए निकलते हैं, कंडक्टर को भी कुछ ना कुछ बात करेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, बाई चांस ड्राइवर है उसको भी उनके बात करवा लेंगे। अनजान आदमी, अनजान पैसेंजर है, वो पहली बार उस बस में चढ़ा है, उसके अंदर पहली बार ही चढ़ा है, वहां पर उससे बात कर लेंगे, ड्राइवर से भी कर लेंगे, कंडक्टर से भी करेंगे, बाजू में कोई बैठा है उसको भी कर लेंगे, हर किसी को बात कर डालते हैं, मैंने ये देखा है। तो लेकिन कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस के अंदर घुसे और उतर गए, आधे घंटे का पौने घंटे का सफर है, बस में, मेट्रो में, ऑटो में चुपचाप बैठे मूर्ति की तरह, और चुपचाप मूर्ति की तरह बैठ के मूर्ति की तरह उतर गए। तो ऐसे लोग जो है ना बिल्कुल, वो हुए या नहीं हुए किसी दुनिया को पता ही नहीं लगता है, ये बस में कब चढ़े कब उतरे किसी को नहीं पता लगता है। एक दूसरा आदमी है वहां पर आता है, बस के अंदर आता है, हर किसी से बात करता है,
बस में आया, मेट्रो में आया, वो आदमी हर किसी से बात करता है, हर किसी से डिस्कशन करता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि इस आदमी ने कुछ ना कुछ बात किया। कोई भी हो वो कोशिश करता है मैं हर किसी से कुछ ना कुछ बात करूं। कोई लेडी खड़ी है, कोई जेंट्स खड़ा है, कोई बूढ़े बाबा खड़े हैं, कोई भी खड़ा है, कोई हैंडीकैप्ड आदमी, वो हर किसी से कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग जिंदगी के अंदर सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। और LIC एजेंसी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें हर एक किसी से बात करना जरूरी है, हर एक किसी से ढेर सारी बातें करना जरूरी है। भले ही हम इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब है कि हमारी हमें अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, लेकिन अच्छा लगे या ना लगे, हमें यदि एजेंसी को सक्सेसफुली चलाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करना पड़ेगा। सिर्फ बात, पॉलिसी बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात। आप कोई भी बात करो ना, आप मोदी की बात करो, आप क्रिकेट की बात करो, आप बस की बात करो, आप सरकार की बात करो, आप आम आदमी पार्टी की जो मर्जी बात करो, बात करने से ही बात बनती है। बात की शुरुआत करेंगे। अब जैसे मुझे मनीष जी ने कई बार बोला, सर मैं पॉलिसी के लिए जाता हूँ, पॉलिसी बेचने में स्ट्रगल होता है, चैलेंज होता है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, आएगी ना। बात करने के लिए जाओ ना, सिर्फ पॉलिसी बेचने मत जाओ। सिर्फ पॉलिसी बेचने जाओगे वो तकलीफ वाला काम है। हाँ, पॉलिसी तो आप बेच ही रहे हो, लेकिन पॉलिसी बेचने के पहले थोड़ा सा कुशनिंग तो करो ना, थोड़ा सा कम से कम उसको पॉलिसी बेचने का जो आपका डायलॉग का शुरुआत हो रहा है कि उसके पहले कुछ ना कुछ तो आपको इधर उधर की बातें तो करनी पड़ेगी ना। आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो, मान लो थोड़ा बहुत तो उसकी दुकान के बारे में बात करो, आपकी सेल कैसे चल रही है, प्रोडक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, कस्टमर्स का पहले से आने का पैटर्न कैसा है, आपका दुकान खुलने का टाइम क्या रहता है, बंद होने का टाइम क्या रहता है। अच्छा, पुलिस वाले तंग तो नहीं करते? आप उसके 2-4-5-10-15-20 इधर उधर की बातें करो। ये सारी बातें करने में 4-5-6 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपने ये सारी की सारी वार्म अप वाली बातें कर ली किसी व्यक्ति को, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल होने के बाद आप उसको बीमा समझाओ या जो मर्जी समझाओ, वो हाँ बोल देता है। लेकिन ये वार्म अप करना तो जरूरी है ना। वार्म अप यदि नहीं करेंगे तो पॉलिसी बेचना मुश्किल होने ही वाला है। आप डायरेक्टली पॉलिसी की बात की शुरुआत करोगे, सर नमस्कार मैं LIC से आया हूँ, पॉलिसी ग्राफ, फिर क्या मिलेगा आपको? एब्रप्ट आंसर मिलेगा। एब्रप्ट आंसर क्या होता है? वो हाँ ना तुरंत फैसला हो जाएगा। आपको तुरंत फैसला चाहिए या तो आप चाहते हो कि हाँ कुछ अच्छा फैसला होना चाहिए? हेलो, आज मुझे लगता है कि बात करने के मूड नहीं है, मतलब। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर देखो, पहली बात तो सर क्लाइंट को सर वार्म अप भी करना, सर अनजान कोई व्यक्ति है या सर हमसे नॉन भी है सर उसको, और सर पॉलिसी सर बेसिंग सर वार्म अप करना सर जरूरी। सर सही कह रहे हैं, सर सही कह रहे हैं। और सर फैसला सर तुरंत मिल जाए तो अच्छी बात है सर। और सर हम पॉलिसी बेचने जा रहे हैं उसको जल्दी मतलब हमारी बात सुन के समझ के और सर सहमति ले ले सर, सर चेक दे दे या अमाउंट दे दे तो अच्छा लगता है सर, तुरंत फैसला मिले तो ठीक है। बढ़िया, अच्छा। सो बात करने की प्रैक्टिस करें, सभी लोगों से बात करें। आप अपनी गली में घुसें, आप अपने कॉलोनी में घुसें, आप वहां पे जितने दुकानदार हैं सबको हेलो करते हुए चलें। मैं एक एजेंट को जानता हूं, प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी की इस साल की कमीशन है 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। ये वही प्रदीप जोशी है जो कॉलेज के अंदर पढ़ता था, कॉलेज के अंदर उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। उसको पूछा हमने यहाँ पे पैरेलल भवन में ITO में बुलाया था, तो प्रदीप जोशी ने गोवा का एजेंट है, तो प्रदीप ने बोला, कहता मैं सक्सेसफुल सिर्फ एक ही कारण से, एक ही कारण है, मैं हर किसी को हेलो करता हूँ, हर किसी को हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, हर किसी को करता हूँ। मेरे को रस्ते में, पड़ोस में, अनजान में, जिस मर्जी कोई भी नजर आ जाए, बस में घुसता हूँ, ट्रेन में घुसता, हर एक को मैं हेलो बोलता हूँ, हेलो बोलता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, हाँ जी कैसा चल रहा है आपका, आप कहाँ से क्या काम करते हो, कहता मैं बातें करता हूँ, मैं बातें बनाने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है बात करूंगा तो मेरी पॉलिसी बिकेगी। मैं पॉलिसी बेचने की शुरुआत करने के पहले 20 बातें इधर उधर की कर लेता हूँ। जब मैं 20 बातें इधर उधर की करता हूँ ना, वो आदमी कंफर्टेबल हो चुका होता है। जब वो आदमी कंफर्टेबल हो चुका है, उसके बाद उसको चाहे पॉलिसी बेचो चाहे कुछ भी बेचो, ये फटाफट समझ जाता है। हाँ नहीं 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 यार, आप प्रदीप जी आप हमारे पास आए हैं, आप अच्छे आदमी हैं। बेल्टन कैसरोल और 6 जो बेल्टन की जो बॉटल्स हैं उनका एक कॉम्पिटिशन आया था, एंड बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने प्राइज उसके जीते। जो लोग ले जा चुके हैं वो तो चलो ठीक है ले जा चुके हैं, लेकिन नरेंद्र पाल जी आपका भी 6 मिल्टन की बॉटल्स का सेट है, आप उसको ले लीजिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे पास यहाँ पर मनीष कुमार कंबोज जी हैं, मनीष जी को भी बधाई। यहाँ पर अभी जो अवेलेबल लोग हैं उसमें से मनीष जी और नरेंद्र पाल जी दो लोगों ने मिल्टन का 6 बॉटल्स का सेट जीता हुआ है, तो आप कब लेना पसंद करेंगे? मंडे को। मंडे को आप
बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, मंडे को आप ले लीजिए। हमारे पास और भी बॉटल्स हैं जो कि मैंने लेके रखी हुई हैं ऑफिस में, तो स्पेस ही रखने की प्रॉब्लम होती है कि उसको सेफ तरीके से सुरक्षित तरीके से कैसे रखें। तो मैंने क्या किया, विनीता को मैंने चाबी देके बोला तो मेरी कार के डिक्की में रखते, जब जब आते रहेंगे लेते रहेंगे। कमल जी ने जीती हुई हैं, राजेंद्र कुमार जी ने जीती हुई हैं, अनिल अग्रवाल जी ने भी जीती हुई हैं, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने भी जीती हुई हैं, इनके भी मेरे पास रखे हैं। जो लोग ले जा चुके हैं उनको तो दे दिया, लेकिन इनके मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं, तो ले लीजिएगा जैसे भी आपका है। क्या आपको पता है कि मैच्योरिटी के पेपर अभी आप किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं? क्या आपको ये जानकारी है? हाँ जी सर है। आपको जानकारी है, इस जानकारी का क्या इस्तेमाल हो सकता है? इस जानकारी का इस्तेमाल क्या हो सकता है? हर एक कस्टमर को बताया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाए, बताया जाए, जब पुलिस पे से उसमें पुराने हैं उसमें उनको भी बताया जाए इसके बारे में। ये इजी हो गया, कहीं से भी जो है अपने घर बैठे भी। सपोज मैंने कलकत्ता से किया था एक कस्टमर को, उनको बोलूंगा कि मैं आप वहीं से अपना जब मैच्योर हो जाए पॉलिसी तो आप वहीं जमा कर दीजिए, आप वहीं से आपको मिल जाएगा। वो ठीक है, अगला स्टेप बताओ, ये तो एक हो गया ना, इसका अगला स्टेप बताओ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे को हायर लेवल की बातें करो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, थोड़ा सा हायर लेवल की बात करो, थोड़ा सा। इसका फायदा क्या? और इसका फायदा चांसेस हैं, ये वाला काम करने का चांसेस हैं जी? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, आपको आज तक दूसरी ब्रांच का मेच्योरिटी का कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ा? कभी आपको किसी ने बोला मेरा दूसरी ब्रांच का मेच्योरिटी आप इसका पेमेंट करवा दो? सर पड़ता रहता है सर, महीने में सर मेरे पास सर एक दो सर इस तरह के सर चांसेस आते रहते हैं महीने में, एक तो दो तीन। अभी मैं रौली ब्रांच में गया था सर। अरे अरे, तो अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका जरूरत खत्म हो गया, मेहरौली ब्रांच का पेपर आप। लेकिन उन्होंने बोला कि पार्टी को बुला के लाओ। किस बात के लिए बुलाना है पार्टी को? क्योंकि उनका पासबुक नहीं था। पासबुक नहीं था तो अभी वहां पे फिर आपका सलूशन निकल गया कि नहीं निकला? अभी तक नहीं हुआ है, अब तो अभी 126 में जमा करो और उसका रीइन्वेस्टमेंट करो। अभी 126 में एक मैच्योरिटी दे दिया हूँ, वो तो हो गया। कौन सी ब्रांच का? अपने ही ब्रांच का था, वो हो गया था, बाकी दूसरा वाला नहीं। वो तो ठीक है ना, अपनी ब्रांच का तो वो तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। मैं नई चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं नई डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं नया नया जो चेंजेस आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। दूसरी ब्रांच का आपने ट्राई किया कि नहीं किया? कोशिश आपने किया दूसरी ब्रांच का कराने का? चलो कोई बात नहीं, आपने जो भी किया जैसा भी किया ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। और आपका मेच्योरिटी का जो है बढ़िया तरीके से होगा, बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें। एक बारी दोबारा से दीपक शर्मा जी को बधाई, क्योंकि उन्होंने मथुरा में बैठे बैठे उधर दिल्ली वाले कस्टमर जो है उसको कॉन्टेक्ट किया, दिल्ली वाले अपने किसी प्रोस्पेक्ट को कॉन्टेक्ट किया, और प्रोस्पेक्ट को कॉन्टेक्ट करने के बाद उसका पॉलिसी नंबर वहीं बैठे बैठे लगा डाला, तो उनको दोबारा से बधाई। ये वाला प्रेजेंटेशन आनंदा का जो है, ये वाला प्रेजेंटेशन मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, कई बार भेज चुका हूँ, आपने पता नहीं मुझे देखा है कि नहीं देखा है। और सिंपल प्रोसीजर है, आपकी इच्छा है, आप में से किसी का घर बैठे बैठे पॉलिसी नंबर लगाने की इच्छा है क्या? हाँ जी इच्छा है सर, मेरी इच्छा है। तो कल के लिए मैं आपको न्यूज बता दूं, कि कल दो पॉलिसी नंबर लगे हैं, और दीपक शर्मा जी हमारे मथुरा के अंदर बैठे बैठे, प्रोफेसर दीपक शर्मा हमारी टीम में एजेंट है, तो उन्होंने क्या किया ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे आनंदा लिखा है, तो एलआईसी की वेबसाइट पे लिंक आनंदा का अवेलेबल है। तो उन्होंने घर बैठे बैठे, कस्टमर उनका दिल्ली में था, वो मथुरा में थे ना, वो कस्टमर के पास गए ना कस्टमर उनके पास आया, उन्होंने अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग किया उसका प्रपोजल फॉर्म पूरा का पूरा, एजेंट रिपोर्ट पूरा का पूरा, उसका आधार नंबर डाला तो उसका फोटो आ गया, देखिए ये फोटो आ गया। फोटो आने के बाद उन्होंने इसको नंबर लगा डाला, तो 39 मिनट्स हो चुके हैं, 39 मिनटों के अंदर हमने दुनिया भर की बातें कर ली। तो क्या आप बताना चाहेंगे इनमें से कोई बात, एकाध कोई आपके काम की थी या नहीं थी? ओके, तो आपका जवाब मेरे पास नहीं आ रहा है, दिक्कत की बात नहीं,
तो हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे, आप यहाँ पर रविवार का दिन है तो संडे का आनंदा वाला सबसे बढ़िया लगा सर, सबसे बढ़िया लगा। तो कल हम सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे, आप भी आनंदा का शुरुआत।